कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी के इंचार्ज डॉक्टर रघु शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, सुनने में आया है कि बीजेपी के दो एमएलए का जो वोट है वो खारिज हो गया, आखिर ऐसा हुआ क्या? देखिए, जिसको रणनीति की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी, ये उसका फेल्योर है। बीजेपी अपने खुद के वोट इंटेक्ट नहीं कर पाई और दूसरा उम्मीदवार खड़ा करने चली, संख्या बल उनके पास था नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग से दूसरी सीट जीतने के लिए निकली थी। लेकिन हमारे यहाँ कहावत है कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए और दुब्बे जी रह गए, तो उनकी हालत बहुत पतली है। आज उनकी जो खुद की संख्या है उसमें भी घाटा हो गया बीजेपी के। हमारा तो 126 वोटों का दावा था, शाम को परिणाम में आपको 126 नजर आ जाएंगे। आप जो है सीधे सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी की रणनीति फेल हो गई, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया सर। सामने दिख रहा ना, दो वोट खारिज हो रहे हैं, वीडियोग्राफी हो रही है पूरी वोटिंग की, और जो कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है वो बीजेपी कांग्रेस बाकी पार्टियों सबके लिए समान है। कोई वॉयलेट करेगा उसको तो निर्वाचन अधिकारी को की जिम्मेदारी है कि वो वोट खारिज हो। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी हुई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जो पोलिंग एजेंट बन गए, आप लोग को 123 वोट्स चाहिए था, आप कह रहे हैं कि आपके पास 126 वोट्स ऑलरेडी है। और इसके साथ साथ जो है सबसे एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि दो बीजेपी के कैंडिडेट्स का एमएलए का टिकट कट गया, क्या दर्शाता है ये राज्यसभा चुनाव जो कि एकदम नाक का सवाल बन गया। यहाँ पर जो सुभाष चंद्र जी आए थे, आते बोला कांग्रेस के एमएलए मेरे टच में है, बाड़ाबंदी दोनों तरफ से हो गई, क्या दर्शाता सर ये? इसी को हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, खरीद फरोख्त की राजनीति, लोकतंत्र को खतरे में डालना, ये राजनीति का पार्ट है। संख्या बल है नहीं आपके पास, और जो संख्या बल आपके पास है उसको आप इंटेक्ट नहीं रख पा रहे हो और आप दूसरी सीट जीतने का ख्वाब देख रहे हो, तो ख्वाब देखने से तो कोई रोक नहीं सकता, पर हकीकत कुछ और है जो शाम को पता चल जाएगी। 126 सीट वोट कांग्रेस पार्टी को आएंगे, तीनों उम्मीदवार जीतेंगे, एडिशनल वोट मिलेंगे सबको हमारे, और उनके वोट कम होंगे जितनी उनकी स्ट्रेंथ है उससे। चंद्रा साहब के बारे में आपको क्या कहना है? वो तो आए थे एकदम उन्होंने बोला कि हम जीत रहे हैं, बीजेपी का सपोर्ट है, वो निर्दलीय इंडिपेंडेंट है ये भी? वो इंडिपेंडेंट नहीं है, एक भी इंडिपेंडेंट ने उनके नॉमिनेशन पे साइन किए हो तो बताए, सारे बीजेपी के लोगों ने साइन करके उनको उम्मीदवार बनाया। बीजेपी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि हम दूसरा उम्मीदवार खड़ा करें, इनको गुमराह किया बीजेपी के नेताओं ने, सुभाष चंद्र जी को, और उल्टा मतलब जो संख्या थी उसमें भी दो वोट की कमी करवा दी। ऐसे रणनीतिकार बीजेपी को मुबारक। नाक का सवाल था, कौन सी नाक, शाम को पता चलेगी ना नाक। देख सकते हैं ये है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजस्थान से डॉक्टर रघु शर्मा जी, और जो उनके चेहरे पे खुशी है उससे वो यही कह रहे हैं कि ये जो है रणनीति जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, कहीं ना कहीं वो लोग जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक राज्यसभा चुनावों का सवाल है राजस्थान के अंदर, कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं सुप्रभा भारद्वाज।